देखिए स्टूडेंट, जो नोट पॉइंट नंबर टू है हमारे पास में, वो क्या है जरा समझते हैं। नोट पॉइंट नंबर टू क्या है हमारे पास में जरा समझते हैं। ये नोट पॉइंट नंबर टू आईआईटी जेई के एक एग्जाम के अंदर बच्चों पूछा गया कॉन्सेप्ट था, पूरा एक क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी जेईई 2011 में, 2011 आईआईटी जेई में ये सवाल पूछा गया था। भाई क्या है सवाल जरा देखो, ये इंक्लाइन प्लेन हम लोगों को दे रखा है। इस इंक्लाइन प्लेन का जो ये वाला एंगल हम लोगों को दे रखा है, ये थीटा है। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है कुछ ऐसे, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है। बॉडी का जो मास है वो m है, बॉडी का जो मास है वो m है, और m की जो वैल्यू है वो है 0.1 किलोग्राम। ये m की वैल्यू है बच्चों, समझ में आ रही बात। और इस बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में एक न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, इस बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में एक न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, और ये बॉडी यहाँ रेस्ट में है। बॉडी कहाँ में है? रेस्ट में। देखो ये है समझने वाले क्वेश्चन, बिल्कुल बढ़िया करके तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम बैठ जाए, इस तरीके के सवाल है ये। अब देखो हम कैसे बनाएंगे। ये जो m मास की बॉडी है जिसका मास 0.1 किलोग्राम है, ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखी हुई है यहाँ पर, इस डायरेक्शन में एक न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, और ये बॉडी रेस्ट में है। तो हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हम लोगों को थीटा की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, थीटा कितना होने वाला है ये स्टूडेंट हम लोगों को बताना है। चलिए जरा देखते हैं कि थीटा हम लोग कैसे बताएंगे। सबसे पहले जो हम जानते हैं वो हम लोग करते हैं, टी शेप बना देते हैं। टी शेप भाई, टी शेप बनेगी सबसे पहले ऐसे, ये टी शेप बननी बहुत ज़रूरी है। एक लाइन प्लेन के पैरेलल, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, बॉडी को बिल्कुल बीचों बीच से काटते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ऐसे टी शेप बना दी हमने। समझ में आ रही बच्चों बात। ऊपर क्या जाएगा? एन, यानी नॉर्मल रिएक्शन। नीचे क्या जाएगा? एम जी कॉस थीटा। और यहाँ क्या जाएगा? एम जी साइन थीटा। बिना कुछ सोचे समझे हुए सबसे पहले आप टी शेप बना दो, बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले आप टी शेप बना दो। ऊपर की तरफ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, समझ आ रही बात। इस तरफ जाएगा एम जी कॉस थीटा और इस तरफ जाएगा एम जी साइन थीटा। अच्छा भाई, अब आप देखो ये कितना है? एक न्यूटन। एक बात देखो जरा ध्यान से यार, बिल्कुल गौर करके मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। बताओ होगा या नहीं होगा? ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये थीटा तो ये भी थीटा। ये कितना है? वन। ये कितना है? थीटा। अगर मैं इस वन का कॉम्पोनेंट ब्रेक करूं तो ऊपर की तरफ कितना जाएगा? वन कॉस थीटा। और इस तरफ कितना जाएगा? इस तरफ जाएगा वन साइन थीटा। समझ आ रही बच्चों बात। हमने इस वन न्यूटन के कंपोनेंट को ब्रेक कर लिया, एक न्यूटन तो इसकी यूनिट है बच्चों, हमने वन के कंपोनेंट को ब्रेक कर लिया। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, ऊपर गया वन कॉस थीटा और नीचे आ गया वन साइन थीटा। अब आप ये देखो बच्चों कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये जो बॉडी हमारे पास में यहाँ रखी हुई है ना स्टूडेंट, ये जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर यहाँ हमारे पास में बॉडी रखी हुई है, जिस बॉडी का मास m है, इस m मास की बॉडी पर नीचे की तरफ काम कर रहा है एम जी साइन थीटा। बिल्कुल ध्यान से देखो, इस m मास की बॉडी पर नीचे की तरफ काम कर रहा है एम जी साइन थीटा। भाई ये जो m मास की बॉडी है, क्या तो ये नीचे की तरफ आएगी या ये ऊपर की तरफ जाएगी? उड़ थोड़ी सकती है यार, क्या तो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, इसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकती है। तो नीचे की तरफ काम करेगा एम जी साइन थीटा। ऊपर की तरफ जो काम करेगा स्टूडेंट, ऊपर की तरफ जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है वन कॉस थीटा, और ये बॉडी है रेस्ट में। ये काहे में है? रेस्ट में है। अब रेस्ट में होने का मतलब क्या है? रेस्ट में होने का मतलब तो सीधा साफ है बिल्कुल, वो क्या है कि नीचे की तरफ काम करने वाला जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ काम करने वाले फोर्स के बराबर होगा। नीचे की तरफ कितना फोर्स काम कर रहा है? हम लोग लिखते हैं फोर रेस्ट। रेस्ट के लिए क्या कंडीशन है भाई हमारे पास में?
रेस्ट के लिए कंडीशन हमारे पास में ये है कि जो नीचे की तरफ काम करने वाला फोर्स है एम जी साइन थीटा, वो ऊपर की तरफ काम करने वाला फोर्स, ऊपर की तरफ कितना फोर्स काम कर रहा है कॉस थीटा, इसके बराबर होगा। एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 0.1, एम की जगह हम लोगों ने रखा 0.1। ग्रेविटी की वैल्यू है 10, ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा के बराबर। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है ना स्टूडेंट हमारी, वो कॉस थीटा के बराबर हो गई। देखो 0.1 की मल्टीप्लाई ग्रेविटी की वैल्यू 10 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये बन गया साइन थीटा और ये बन गया कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा के, ये कॉस थीटा यहां से उठकर साइन के अपॉन में चला जाएगा, तो बनेगा हमारे पास में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये कहलाएगा टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू 1 और टेन के अंदर जो 1 वैल्यू होती है ना बच्चों, ये 45 डिग्री की वैल्यू होती है। समझ आ रही है स्टूडेंट बात, जो टेन के अंदर ये वैल्यू होती है ये 45 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी एंगल हो गया हमारे पास में 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री बच्चों, 45 डिग्री का एंगल हमारे पास में ये रहने वाला है। कैसे हमने प्रॉब्लम को किया है ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमने टी शेप बनाई, नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ एम जी कॉस थीटा, यहाँ काम कर रहा था 1, ये हमें ऑलरेडी गिवन था। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमने कॉम्पोनेंट ब्रेक कर दिए। अब इतने सारे कॉम्पोनेंट की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है भाई, हमें तो सिर्फ नीचे की तरफ काम करने वाले और ऊपर की तरफ काम करने वाले की ज़रूरत है, और हमने वैसा ही किया। नीचे की तरफ कितना काम कर रहा है एम जी साइन थीटा, और ऊपर की तरफ कितना काम कर रहा है 1 कॉस थीटा, और चूंकि बॉडी रेस्ट में है हमने दोनों को बराबर रखे, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल दी है स्टूडेंट। ओके करिए जल्दी से नोट डाउन।